मंशा है कि हमको हमारी जो एमपीकेसी की उपलब्धि है उसके आधार पर हमको पुनः इस बार भारतीय चाटी इंजीनियरिंग संघ की ओर से 34वीं राष्ट्रीय चाटी इंजीनियरिंग प्रतियोगिता आयोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम आईकेसी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ हमारी टीम पर हमको पूर्ण भरोसा है कि पूर्व चैंपियनशिप की तरह इस चैंपियनशिप को भी हम मिलजुल कर एक साथ एक टीम वर्क करते हुए सफल बनाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो एल्डर्स हैं उनका हमको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इसी तारतम्य में मैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री पी एस मुंदेरा जी से आग्रह करूँगा कि कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। आदरणीय टीचर सर, मैडम, मैं जी, रोमन जी, प्रेम जी, जी और समस्त विशिष्ट खेल पदाधिकारी, जैसा कि हमारे सचिव महोदय नैन जी ने बताया कि 34वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हमें आईकेसी के द्वारा प्रकट की गई है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमने गत माहों में आईकेसी को ऐसा प्रेजेंटेशन किया है, बहुत सारे जो उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए थे, ऑडिट चाहिए थे, जो भी चाहिए था वो पूरी जानकारी सचिव के माध्यम से वहाँ पहुँचाई गई है। और जो चीज इंडियन फेडरेशन को ओलंपिक को पहुंचाना था, शासन को पहुंचाना था, वो सब प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो कॉपरेटिव एक्ट के अनुसार सोसाइटी एक्ट के अनुसार जो जानकारी 356 वगैरह की समझ जानकारी देती मजदूरी करके अपने पास कैप्चर की गई है। इसके साथ अब आई बात हमारी 34वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता की। यहाँ हम एकत्रित खासतौर से इस बिंदु पर के लिए हुए हैं कि 34वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो 16 से 19 तक आयोजित हो रही है वो इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से हो, संघों का सहयोग प्राप्त हो और एक टीम भावना से हम सब काम करें, काम डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर और वो सफल प्रतियोगिता हो। इसके लिए हमने डायरेक्टर स्पोर्ट्स से भी उनकी तरफ से ही ऑफर आया था कि हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने क्या है उसका एक बजट तैयार किया, प्रॉपर उनको बिंदु बताए कि भाई ये व्यवस्थाएँ आपको करना है उनके असिस्टेंट डायरेक्टर को, लेकिन संचालक खेल द्वारा बजट न होने के कारण उसमें असमर्थता व्यक्त कर दी। अब उसके अंतर्गत आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रशिक्षक भी आ रहे हैं, जो बेस्ट प्रशिक्षक 10-10 हैं हमारे सलालम के और दिल्ली जाते हैं, उनको प्रशिक्षण उसके लिए हर्ष की बात है कि नेपालियों को सुनाया है। मैं वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष श्री थॉमस से बॉम्बे में मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिसंबर में हम यहाँ आ गए जो प्रशिक्षकों को हम प्रशिक्षण देंगे ताकि अभी जो मुझे कमियाँ दिखी हैं एशियन गेम में हमारे खिलाड़ियों में वो दूर हो सके, वो टेक्निक वो जाने ताकि अपने खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से कौशल बना सकें। उसके लिए खासतौर से उन्होंने दिसंबर जब मैं बॉम्बे में मिला उनसे तब उन्होंने ये बात बताई थी मुझे। उसी तारतम्य में वो यहाँ 16 तारीख को यहाँ करा रहे हैं। अब सेमिनार भी हमारे यहाँ होना है, एक साथ क्या है सेमिनार होना है, प्रशिक्षकों का कोर्स भी होना है और साथ में आईडी भी होना है। अब हमको उस हिसाब से सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैं जी से आग्रह करूँगा कि प्रॉपर काम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नीचे सामने होगा कि एक प्रॉपर चीज़ टेक्निक रूप से बना ली जाए, वो दो भाग हों उसके, एक तकनीकी रूप से रहे जो प्रतियोगिता आयोजित कराना हो, दूसरी एक ऐसी हो जो आयोजन समिति हो जिसके अंदर आवास है, भोजन है, स्वल्पाहार है और सेमिनार की व्यवस्था है, कोऑर्डिनेशन है, पानी है, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए अलग कमेटी बना ली जाए। ट्रांसपोर्ट हाँ आप उसके लिए कि मैं आज चूँकि कई आईजी से एडिशनल डीजी वगैरह से मिला था, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे। अब इसमें शायद कुछ चीज़ें हमें लिख के कल उन्होंने बोला है कि आप क्या क्या करना है वो मुझे बता दो आप, तो वो एक बना के दे दें। जैसे 10 रूम आपको चाहिए यहाँ पे पुलिस मैच में तो उनको हम बता, उन्हें तो जे भी कहा कि लेटर बना के लाना मैं साइन कर दूँगा, ठीक है अगर लेटर बन जाए तो बेहतर है हम वहीं के वहीं दे देंगे। आज जैसे मैंने ये बनाया था कि 10 रूम शायद टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए चाहिए आपको तो नगर सेना के अंदर जी, अच्छा 5 रूम या 6 रूम देते हैं आपको, 6 रूम के लिए 2 लोगों ने मुझे आश्वासन दिया, वो आई जी गोयल आए थे उसने दिलाए थे, आए थे उन्होंने बोल दिया कि मैं तत्काल लेटर लिखूँगा मैच के लिए।
और कल ही बना के दे देना तो वो तत्काल दे देंगे। दूसरा साकू साहब जो एडिशनल डी जी है उन्होंने क्या है मुझे कल तीन कल अथवा सर बुलाया है, कल आप आ जाओ कल बैठ के फाइनल कर लेंगे साहब ने क्या उनका हेल्प है। हमने बस उन्हीं से कहा है कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है तो वो हेल्प कर देंगे हमें। और चूँकि आई के सी ए के प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई प्रधान जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें कोई स्वर्गीय संजीव सिंह की स्मृति लिखने में फिर कोई आपत्ति नहीं, तो अगर आप लोगों की सबकी सहमति हो तो स्वर्गीय संजीव सिंह की स्मृति सीनियर प्रतियोगिता उसमें सेकंड होगी उनके नाम से, सेकंड हो जाएगी उनके नाम से, उनके नाम से सेकंड हो जाएगी। उससे क्या होगा कि भाई पूरा पुलिस कर चुके हैं क्या उन्होंने हाथों बोल दी, लेकिन जो किसी के नाम से जब कोई नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं तो उसको एजीएम में पास कराना पड़ता है। नहीं तो आप ठीक है ये अपना हेडेक नहीं है, हमें तो कुल मिला के लेटर मिलना चाहिए, वहाँ से लेटर दे दे पास करना। आप प्रपोजल दे दो राइटिंग में उनसे बल मिल जाएगा, अपन को नगर सेना ही मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा, तीनों जगह अपन को अगर हेल्प मिलती है तो लिखने में क्या आपत्ति है।